में स्पीकर, लोकसभा स्पीकर के पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने भी के सुरेश का नाम अब आगे कर दिया है। के सुरेश कांग्रेस के स्पीकर पद के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। वहीं एनडीए ने ओम बिरला को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है। कल लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, ये तय था कि ये 18वीं लोकसभा का जो सत्र शुरू हुआ है, इसमें विपक्ष अपनी मौजूदगी जरूर दिखाएगा। और देखिए, कल जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से सदन की कार्यवाही हुई है, आज बिल्कुल विपरीत स्थिति है, आप कह सकते हैं, क्योंकि विपक्ष ने जो दावा किया और जो मांग की उसे सरकार ने पूरा नहीं किया। और इसीलिए यहां विपक्ष ने भी के सुरेश कांग्रेस के उम्मीदवार अब बतौर लोकसभा स्पीकर के लिए अपना नामांकन कर चुके हैं। अब कल चुनाव होना है और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में ऐसा पहली बार होना है जब लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होगा। राहुल गांधी को आपने सुना, सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि भाई उनकी फोन पर बातचीत हुई थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, जिनसे उन्होंने साफ कहा कि हमें डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए और ये बात जब नहीं मानी गई तो हमने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है स्पीकर पद के लिए। लोकसभा का स्पीकर अब कौन होता है यह देखना बहुत दिलचस्प हो गया है, क्योंकि पहली बार चुनाव होने जा रहा है इस पद के लिए। सभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा यह रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है। और इससे उसमें सदन की सहमति हो ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता। धन्यवाद। पीयूष गोयल को आप सुन रहे थे। देखिए, साफ तौर पर यहां कह सकते हैं आप के विपक्ष ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अब ये सदन की कार्रवाई जो है वो जाहिर तौर पर घमासान यहां पर आप हर बार देखने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले नाम तय होगा और जो चुनाव कल होना है उस पर यह देखना बहुत दिलचस्प हो जाता है कि विपक्ष ने के सुरेश के तौर पर जो अपना उम्मीदवार लोकसभा स्पीकर के लिए घोषित किया है, कल के चुनाव के परिणाम कैसे आते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा देश में जब लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा, अब तक ऐसा नहीं हुआ है। विपक्ष ने उम्मीदवार कॉल बैक नहीं किया गया आपके द्वारा। राहुल गांधी जी ने कहा कि खड़गे जी ने, ऐसे जहां तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर है, मैं उनका सम्मान करता हूं, कल से लेकर आज तक उनसे तीन बार हमारी बात। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे हैं, राहुल गांधी ने भी यही बात कही है कि उनसे फोन पर कई बार बात हुई, लेकिन उन्होंने फोन पर बात करते हुए ये कहा कि आप जो मांग कर रहे हैं, मतलब डिप्टी स्पीकर के पद की जो मांग आप कर रहे हैं, उस पर हम मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन करेंगे। और जब फोन नहीं आया राजनाथ सिंह का, उसके बाद कांग्रेस ने और विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने यह फैसला किया कि हम भी अब उम्मीदवार घोषित करेंगे अपना स्पीकर पद के लिए। तो देखिए, डिप्टी स्पीकर पद की मांग विपक्ष कर रहा था जिसे पूरा नहीं किया गया। शिवम प्रताप और जानकारी हमें देंगे इस खबर पर, लाइव इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम, ये घमासान देखिए, इसकी उम्मीद तो तय थी, क्योंकि विपक्ष जो अपने तेवर दिखा रहा था, कल का दिन जितने शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा की कार्रवाई का बीता, अगला दिन मतलब दूसरा दिन बिल्कुल उसके विपरीत जा रहा है। उठा पटक जो देखी जा रही है ये सोच से परे तब हो जाती है, क्योंकि पहली बार देश में लोकसभा में स्पीकर पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। कल क्या होगा और इस समय क्या हलचल मची हुई है दिल्ली में, विस्तार से जानकारी दीजिए शिवम। देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतार दिया और इसको लेकर पहले से ही अंदेशा था। तीन दिन पहले ही न्यूज 18 में दर्शकों को यह जानकारी दे दी। दरअसल कांग्रेस पार्टी प्रोटेम स्पीकर के नियुक्ति के बाद से ही लगातार इस बात को लेकर नाराज थी कि प्रोटेम स्पीकर के पद के लिए के सुरेश, जिन्हें अभी स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाया गया है, वो सबसे परफेक्ट है, क्योंकि वो सबसे सीनियर एमपी हैं, 8 बार के एमपी हैं। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी का ये मानना था कि बी मेहताब को बनाया गया
दूसरी बात, राहुल गांधी हो या कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे हो, उनका लगातार ये कहना था कि भारत में परंपरा रही है कि अध्यक्ष पद सरकार का और डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो विपक्ष का होना चाहिए, लेकिन अहंकार के चलते एनडीए डिप्टी स्पीकर का पद भी विपक्ष को नहीं दे रही है। दिल्ली की बात करें, इस समय निश्चित तौर पर हलचल है, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि सर्वसम्मत से स्पीकर को नहीं चुना जाएगा। आमतौर पर यह माना जाता है स्पीकर का पद किसी दल का नहीं होता है, सभी दलों के लिए एक होता है। दूसरी बड़ी बात, कल सुबह 11 बजे से मतदान होगा, आज नॉमिनेशन के लिए अंतिम दिन था। दोनों कैंडिडेट एनडीए से ओम बिरला ने, इंडिया से के सुरेश ने नामांकन कर दिया है, और इसके पीछे कम कांग्रेस सूत्र हैं जो दावा कर रहे हैं। इसके पीछे दो तर्क कांग्रेस पार्टी के हैं, एक तो स्पीकर पद पर चुनाव कराकर वो बीजेपी के जो संख्या बल है उसको बार बार चेक करना चाहती है कि कितने जो 292 का आंकड़ा है क्या वो मजबूत है, कितने क्या हालात है, और दूसरा जो अपना 234 इंडिया अलायंस का आंकड़ा है उसमें क्या कोई टूट फूट हुई है, क्या कोई ऐसा दल है जो चुनाव के बाद जिसकी रुख नरम हुआ है बीजेपी की तरफ। ये दोनों तीर, एक तीर से दो शिकार कांग्रेस पार्टी कर रही है। तीसरी बड़ी बात, कांग्रेस लगातार ये कहती रही कि इसीलिए उन्हें प्रोटम स्पीकर नहीं बनाया गया, यानी कि बीजेपी और एनडीए दलित विरोधी है। एक बार फिर जब चुनाव होगा तो इस बात को तूल मिलेगी और कांग्रेस पार्टी अपने इस शिकार में, आप कहें इस दांव में सफल होगी। हालांकि ये साफ है कि एनडीए के पास संख्या बल ज्यादा है, 292 है, ज्यादातर चांस ये है कि एनडीए का स्पीकर बने, लेकिन विल बी द डिप्टी स्पीकर। लास्ट टू इलेक्शन, लास्ट टू लोकसभा दे डिनाइड अस बिकॉज़ दे सेड यू आर नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड ऑपोजिशन। Now we are recognized opposition. The it's a deputy speaker is right for us, but they are not ready to give us. Again, till 11:50, we are waiting for the reply from the government side, but they didn't give any reply. That's why time is. शिवम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और देखिए यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष सीधे तौर पर आमने सामने आ गए हैं। शिवम, लेकिन इस समय एनडीए में क्या हलचल है? दिल्ली में तो पूरी तरह से उठापटक हो ही रखी है सियासत के लिहाज से। सदन में, संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बात करते हुए पहले दिन ये साफ कर दिया था कि उन्हें पूरी उम्मीद है एक बहुत ही साफ सुथरी, एक बहुत ही अच्छी चर्चा जो है विपक्ष के साथ भी की जाएगी। लेकिन अब जो तस्वीरें हम आज देख रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है। एक तरफ बिल्कुल रिजिडली, मतलब विपक्ष अपने एक जिद पर अड़ा हुआ है, चाहे आप राहुल गांधी की बात करें, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन लें, अखिलेश यादव को सुन लें, इन्होंने साफ कर दिया है कि हमने अपना कैंडिडेट खड़ा करा है क्योंकि हमारी जो मांग थी उसे पूरा नहीं किया गया। अब एनडीए में जाहिर तौर पर संख्या बल ज्यादा है एनडीए के पास, लेकिन कल क्या होना है और एनडीए में इस समय क्या गहमा गहमी मची हुई है? देखिए, एनडीए हर तरीके से तैयार था, एनडीए को इस बात का पहले से अंदाजा था। बीजेपी नेताओं से जो मेरी ऑफ द कैम बात हुई, उनको अंदेशा इस बात का पूरा था कि स्पीकर पद को लेकर घमासान हो सकता है। यही एक वजह है कि राजनाथ सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि कांग्रेस नेताओं के साथ साथ जो विपक्ष के तमाम बड़े नेता है उनसे संपर्क करें, उन्हें मनाए। लेकिन अगर किसी कंडीशन में विपक्ष नहीं मानता है डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर, तब फिर वो कैंडिडेट उतारेंगे, इस बात का पूरा अंदेशा बीजेपी को था। यही एक वजह है कि ओम बिरला के नॉमिनेशन के तस्वीरें देखे तो जो एनडीए के तमाम एलआई हैं वो उनके साथ नजर आएंगे। अमित शाह के साथ तमाम एनडीए के जो नेता हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हों, एसजी देवगौड़ा के बेटे हों, या तमाम अन्य दलों के नेता हों, वो एक साथ नजर आए। यानी कि संदेश पूरे तौर पर यह है कि एकजुट हैं और हम ये स्पीकर का चुनाव जीतेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है, चूंकि भारत में संसदीय प्रणाली की जो इतिहास रहा है उसमें यही रहा है कि स्पीकर के पद पर सर्वसम्मति से चुनाव हो, क्योंकि स्पीकर किसी एक दल का नहीं होता है, एक अभिभावक माना जाता है संसद के अंदर उन्हें सभी दलों का। लेकिन ये परंपरा आज टूटी है, पहली बार नॉमिनेशन हुआ है स्पीकर के पद पर। एनडीए की बात करें तो एनडीए के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं। इसके बहाने एक आत्मनिरीक्षण भी हो जाएगा कि क्या 292 जो एमपी बने हैं एनडीए के वो सारे एकजुट हैं, या फिर जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है उसके बाद एनडीए में कोई टूट फूट होती है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस वो भी अपने 234 के आंकड़े को बार बार रीचेक कर रहा है कि कुछ ऐसे सांसद या कोई ऐसा दल तो नहीं है जो कहीं ना कहीं जिसका झुकाव सत्ता पक्ष की तरफ हुआ हो। इसी चुनाव से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। एनडीए पूरी तौर पर कॉन्फिडेंट है, उनका मानना है कि हमारा संख्या बल कहीं ज्यादा है इंडिया के सामने, और ऐसे में जीत ओम बिरला की होगी। ठीक है, बिल्कुल। तो ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कल स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा, और देखिए ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ है। इस बार
के सुरेश जो कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट है वो भी यहां पर अपनी जीत का दम ठोक रहे हैं। हालांकि यहां संख्या बल के लिहाज से सरकार को आप देखते हैं, एनडीए को आप देखते हैं, तो इनके पास संख्या बल अच्छी खासी है, पर फिर भी कल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, कल का लोकसभा स्पीकर के चुनाव का दिन कि आखिर कल होता क्या है। बट ये भी तय है, ओम शिवम आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो, कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करने के लिए पहुंच रहे थे देखिए मंच पर, तब राहुल गांधी और उनके तमाम सांसदों ने वही संविधान की लाल किताब दिखाकर अपने आक्रोश को दिखाया, या कहिए कि अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इसी बात से समझा जा सकता है कि हर वो प्रस्ताव जिसके ऊपर सदन के अंदर चर्चा होगी, हर मुद्दे के ऊपर चर्चा की जाएगी, जिस चर्चा के अंदर विपक्ष की भी पूरी भागीदारी होगी, हर वो मुद्दा बहुत ही गंभीर रहने वाला है और सरकार को, सत्ता पक्ष को विपक्ष हर बार इसी तरह की कड़ी चुनौती देने वाला है। देखिए बिल्कुल, जो परिणाम आए हैं उसके बाद ये साफ हो गया है कि इंडिया ब्लॉक को इस बार अच्छी सीटें मिली हैं। 2014 और 2019 में विपक्ष मजबूत नहीं था संसद के अंदर, और यही एक वजह थी कि तमाम बिल हो, तमाम डिस्कशंस हो, उसमें एनडीए सरकार को बड़ी बढ़त मिलती थी। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव के परिणाम आए और इंडिया ब्लॉक उसके बाद से ही लगातार आत्मविश्वास से लवरेज है, और तमाम नेताओं के आपने भी भाषण सुने होंगे, तमाम नेताओं के बाइट सुने होंगे जिनमें वो कहते नजर आए कि आप पूरे 5 साल वो सत्ता से सीधे तौर पर टकराएंगे। प्रधानमंत्री ने कल कहा कि अपने संबोधन में कि विपक्ष को अब जो वो जिस तरीके का नाटक करते हैं उसको छोड़कर जो जनता ने उन्हें जनमत दिया है उसका सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जब कल मैंने तमाम कांग्रेस के नेताओं से, तमाम विपक्ष के नेताओं से बात की, तो उनका कहना था कि ऑपोजिशन का जो काम है यानी कि सरकार से सवाल पूछना, सरकार से जनहित से जुड़े मुद्दों पर लगातार टकराव करना, और हम वही करेंगे। जिस तरीके का संख्या बल है, चाहे आप कांग्रेस पार्टी की बात करें 100 के आसपास सीटें आई हैं, समाजवादी पार्टी की बात करें, टीएमसी की बात करें, डीएमके की बात करें, संख्या बल निश्चित तौर पर बेहद मजबूत है, और शुरुआती 2 दिनों की टकराहट यह दिखाती है कि आने वाले 5 साल में हम लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक टकराव देखेंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष लेकिन एक बार आपसे ये भी समझना चाहेंगे शिवम कि ये पेंच अगर जो मांगा जा रहा है पद डिप्टी स्पीकर का पद, अगर यहां पर विपक्ष मांग रहा है तो इसको देने की बजाय इसके ऊपर इतना बड़ा मंथन और सीधे तौर पर इसके लिए मना कर देना, इसके पीछे की भी वजह क्या हो सकती है? जिस पर हम पीयूष गोयल को भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये तो जोर जबरदस्ती वाली बात होगी कि अगर आप हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे तो हम भी आपको समर्थन नहीं देंगे। लेकिन पेंच यहां पर डिप्टी स्पीकर के पद पर कहां फंसता हुआ नजर आ रहा है? क्यों सत्ता पक्ष विपक्ष को ये पद नहीं देना चाहती है? देखिए इसके पीछे तर्क ये है, बीजेपी का तर्क ये था कि सत्ता जब स्पीकर का चुनाव होता है उसके बाद डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता है, पहले स्पीकर का चुनाव हो जाए उसके बाद डिप्टी स्पीकर के पद पर हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस समेत पूरे अलायंस का ये कहना है कि बीजेपी ने तमाम चीजों को लेकर ऐसे वादे किए कि वो कॉल बैक करेंगे, बाद में बात करेंगे, लेकिन एक बार जैसे ही चुनाव हुआ उसके बाद वो अपने वादे को भूल गए और लगातार आगे बढ़ते रहे। 2019 में न तो विपक्ष के पास एलओपी का पद था, न ही विपक्ष का डिप्टी स्पीकर था, ये इस बात को लेकर पूरे विपक्ष में भारी नाराजगी थी कि डिप्टी स्पीकर का पद 2019 में किसी को नहीं दिया गया, आखिर क्यों विपक्ष को इतना महत्वहीन कर दिया गया। यही एक वजह है कि जैसे ही इस बार संख्या बल आया, कांग्रेस पार्टी, आप समझिए कांग्रेस पार्टी के पास इस बार एलओपी होगा, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा, और उसके साथ साथ उनकी मांग यह थी कि डिप्टी स्पीकर का पद भी हमें दिया जाए। चूंकि बीजेपी का यह तर्क है कि स्पीकर के पद पर चुनाव के बाद हम डिप्टी स्पीकर को लेकर बात करेंगे और उसमें बातचीत से फैसला कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि कई मर्तबा प्रधानमंत्री मोदी ने जो मीडिया के सामने दावा किया, मीडिया के सामने बात की, बाद में उन्होंने उस बात को भुला दिया और विपक्ष को उनके महत्वपूर्ण पद नहीं दिए, इसीलिए इस बार विपक्ष ये चाहता था कि दोनों पदों पर एक साथ सहमति हो, यानी कि स्पीकर के पद पर अगर हम समर्थन दें तो डिप्टी स्पीकर का पद हमें मिले। लेकिन बीजेपी ने शिवम के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह, इन सब ने बैठ के चर्चा की, ओम बिरला का नाम फाइनल किया गया, उसके बाद विपक्ष के साथ भी चर्चा करना जरूरी हो जाता है। अब देखिए इसी तहत, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए राजनाथ सिंह जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करते हैं। विपक्ष में 2 प्रमुख पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी, इन दोनों ही लड़कों ने जहां उत्तर प्रदेश में सरकार की नाक में दम किया, अब ये दोनों ही लड़कों की जोड़ी जो है ये सदन के अंदर भी सरकार की नाक में दम करने की पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है। लेकिन राजनाथ सिंह ये भी जानते थे
क्योंकि दोनों मन में आप लेके चीजें चल सकते हैं, एक तरफ के समर्थन मिल जाएगा, दूसरी तरफ समर्थन नहीं मिलेगा। अब उस समर्थन के लिए जो विपक्ष ने मांग रख दी उसको पूरा नहीं किया गया, लेकिन ये जो अब दूसरा आप कह सकते हैं फॉर्मेट अब सरकार की तरफ से लाया गया है कि अब चुनाव होगा पहली बार कल लोकसभा स्पीकर को लेकर, इसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार थी। देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है उससे साफ होता है कि एनडीए सरकार पूरे तरीके से तैयार थी। उन्हें इस बात का पूरा अंदेशा था कि विपक्ष किसी सूरत हाल में अपना उम्मीदवार उतार सकता है। राजनाथ सिंह की बात करें, राजनाथ सिंह संकट मोचक रहे हैं मोदी सरकार के, महत्वपूर्ण मसलों पर जब जब टकराहट हुई है तो राजनाथ सिंह ये आगे आए हैं। चूंकि कहा यह जाता है कि तमाम दलों के नेताओं से उनके संबंध बहुत अच्छे हैं और वो संपर्क करते हैं, लेकिन आज राहुल गांधी ने सुबह सुबह बड़ा आरोप ये लगाया कि राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की, उनसे समर्थन मांगा और ये कहा कि हम आपको कॉल बैक करेंगे, लेकिन कॉल बैक नहीं आया। इंतजार करती रही कांग्रेस पार्टी, लेकिन राजनाथ सिंह ने या बीजेपी ने दोबारा उनसे संपर्क नहीं किया। ये दिखाता है कि अहंकार है, ये राहुल गांधी का तर्क था। हालांकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि वो संपर्क करते रहे, लगातार कई बार उन्होंने ट्राई किया लेकिन बातचीत नहीं हो सकी। आपने यूपी के दोनों लड़कों की बात की, अखिलेश यादव का आप आत्मविश्वास देखिए, कल वो संविधान के प्रति लेके अपने लगभग 40 सांसद लेकर संसद के अंदर थे। बड़ी बात यह कि कांग्रेस, पूरा इंडिया ब्लॉक, समाजवादी पार्टी ये चुनाव में संविधान और आरक्षण बचाने की बात करते रहे, और वही हमने कल और आज देखा, तमाम जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं वो संविधान की कॉपी लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसके साथ साथ संविधान की कॉपी लेकर ही सभी ने ओथ ली है। यानी कि इस पूरे लोकसभा सत्र में संविधान बचाना एक विपक्ष का बड़ा मुद्दा रहेगा, और डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के पद को भी विपक्ष ने संविधान बचाने से जोड़ दिया है। विपक्ष का ये कहना है चूंकि डिप्टी स्पीकर का पद परंपरा के तहत हमें मिलना चाहिए, लेकिन चूंकि एनडीए गवर्नमेंट अलायंस की गवर्नमेंट है इसलिए मोदी सरकार डर रही है कि कल के लिए अगर कोई दल उनका समर्थन छोड़कर जाता है, स्पीकर के पद को लेकर घमासान होता है, तब भी उसी सूरत हाल में डिप्टी स्पीकर भी एनडीए का ही होगा। और विपक्ष ये कह रहा है कि अगर स्पीकर के पद को लेकर या फिर कल अलायंस की सरकार गिरती है तब डिप्टी स्पीकर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल और है, शिवम एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि देखिए वैसे तो संख्या बल यहां पर सरकार के पास, सत्ता पक्ष के पास पूरा है, तो यहां पर सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि ओम बिरला जो है वो अध्यक्ष पद के लिए चुने जाएंगे, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो आए हैं, जाहिर तौर पर घटक दल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे कल के चुनाव में। क्या ऐसी सुगबुगाहट, क्या ऐसी कोई जानकारी आप तक पहुंची है? क्या बीजेपी अपने घटक दलों के साथ चर्चा करना शुरू कर चुकी है कल के चुनाव के लिए? देखिए आपको याद होगा जब ये परिणाम आए थे उसके बाद लगातार मीडिया में चर्चा रही कि तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि स्पीकर का पद उन्हें मिले। हालांकि टीडीपी ने और नीतीश कुमार दोनों ने बाद में ये साफ कर दिया कि उनकी ऐसी कोई मांग नहीं है, ना वो मंत्रिमंडल में कोई कैबिनेट के पद को लेकर अड़े हुए हैं, ना ही वो स्पीकर के पद को लेकर अड़े हुए हैं। एनडीए आपस में बैठकर ये मसला सुलझा लेगा। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि टीडीपी और नीतीश कुमार दोनों एनडीए के फैसले पर अड़े गए, उनका भी मानना है कि स्पीकर का पद एनडीए को ही मिलना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि टीडीपी और नीतीश कुमार दोनों इस बात को समझते हैं कि